हेलो फ्रेंड्स, मैं हरकिशन दर्जी। आज आपको वुडन मटेरियल में से एक बर्ड बनाएंगे और उस बर्ड की जो चोंच है उस चोंच को हम ऐसे उंगली पे रखेंगे तो वो जो बर्ड है वो बैलेंस्ड रहेगा, वो गिरेगा भी नहीं। और उसको कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट पे हम उसको उसकी चोंच के बल पे खड़ा रखेंगे तो वो बर्ड जो है वो बैलेंस रहेगा। इसे कहते हैं बैलेंसिंग बर्ड। तो चलिए अब इसे बनाते हैं और उसके बाद उसका जो साइंस है उसे हम जानेंगे। यहाँ पे हमारा ये जो बैलेंस बर्ड है वो रेडी है, जो कि हमने उसको वुडन मटेरियल में से बना लिया है। यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट लगाए हैं, ये दो ऑब्जेक्ट लगाए हैं वो बैलेंस के लिए लगाए हैं। इसको अगर नहीं लगाते और उसके बगैर इसको हम ऐसे अपनी उंगली पे रखने जाएंगे तो ये ऐसे बैलेंस नहीं रहेगा। वो तो उसका द्रव्य केंद्र है, ये जो चोंच है पक्षी की वो है सेंटर पॉइंट। तो ये जो बर्ड है उसका जो पूरा जो उसका द्रव्यमान है, उसका जो मास है, उसका जितना भी वजन है, उसका जो भी मैटर है, उस मैटर का सेंटर पॉइंट जो है वो उसकी चोंच पे आता है। तो ये जो है वो मैटर सेंटर पॉइंट के साइंस के हिसाब से ये जो बर्ड है वो बैलेंस रह सकता है। तो इसके पीछे का जो साइंस है वो मैटर सेंटर पॉइंट है और इसके मदद से आप कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी चीज़ आपने पसंद की हो तो उसको आप उसका जो मैटर का सेंटर पॉइंट है तो उस पे अगर आप अपना बैलेंस रखने जाओगे, उसको ऐसे उंगली पे खड़ा रखने जाओगे तो वो खड़ा रह सकता है। चलिए मैं आपको एक स्केल लेके उसको समझाता हूँ। ये जो स्केल है उसको हम यहाँ से मतलब एक चौथाई हिस्से से अपनी उंगली पे बैलेंस करने जाएंगे तो ये नहीं रहेगा, वो गिर जाता है। चलिए अब हम उसको सेंटर पॉइंट से बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। तो उसका जो सेंटर पॉइंट है तो वो जो सेंटर पॉइंट ये है, ये तो ये बैलेंस रहता है। तो उसका सेंटर पॉइंट जो है बराबर बीच में, तो इसके बल पे ये खड़ा रह सकता है। चलिए अब एक पेंसिल को खड़ा रखते हैं। तो ऐसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर पॉइंट से उसका जो द्रव्य केंद्र है वो द्रव्य केंद्र के बल पे आप उसको खड़ा रख सकते हो, बैलेंस रख सकते हो। तो इसका जो साइंस है वो द्रव्य केंद्र है, मास सेंटर पॉइंट, मैटर सेंटर पॉइंट। तो ये जो है वो मैटर सेंटर पॉइंट की वजह से उसके बल पे ये खड़ा रह सकता है। तो आशा रखता हूँ कि आपको ये
बर्ड बनाने में भी मज़ा आया होगा और इसे देखने में भी मज़ा आया होगा और इसको यूज़ करते हुए देखने में भी बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।